23 फरवरी हमारा पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई वेदर था। मिनिमम टेम्परेचर कोस्टल उड़ीसा का कुछ कुछ जगह में 2-3 डिग्री तक बिलो नॉर्मल है और इंटर उड़ीसा में नियर नॉर्मल था। सबसे मिनिमम टेम्परेचर हुआ है फुलवानी 11.0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा भुवनेश्वर सिटी में था 17.1, ये भुवनेश्वर सिटी में 17.1 डिग्री था, ये 3 डिग्री तक बिलो नॉर्मल है। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा, इसमें अगला 5 दिन ही हमारा मेनली ड्राई वेदर रहेगा सभी डिस्ट्रिक्ट में, और मिनिमम टेम्परेचर जो है अभी धीरे धीरे अगला 2-3 दिन में 2-3 डिग्री तक राइज करेगा तो फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर भी अभी डे टेम्परेचर डे इंक्रीज हो रहा है तो डे टेम्परेचर भी हमारा इन ज्यादा रहने का चांसेस है। मेनली कोस्टल पॉकेट्स में 2-3 डिग्री तक अब नॉर्मल रहने का चांसेस है। मिलते जैसा भुवनेश्वर सिटी में भी हमारा टेम्परेचर कल अब नॉर्मल था, 36.5 था, आज भी 36 से 37 का अंदर में रहने का चांसेस है। और मिनिमम टेम्परेचर कल 18 के आसपास रहने का चांसेस है भुवनेश्वर सिटी में। भुवनेश्वर सिटी मेनली क्लियर स्काई रहेगा और वेदर मेनली क्लियर स्काई रहेगा, बाकी जगह में भी हमारा मेनली क्लियर स्काई वेदर ही अभी रहने का चांसेस है। और जैसा हमने कहा मिनिमम टेम्परेचर अभी ग्रेजुअली राइज करेगा 2-3 डिग्री तक अगला 2-3 दिन में राइज करेगा, उसके बाद ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। ओके।